2.3 के क्वेश्चंस फर्स्ट टू फोर्थ सॉल्व कर चुके हैं, ठीक है। आज हम इसे क्वेश्चन नंबर 5 सॉल्व करेंगे। देखिए क्वेश्चन नंबर 5 का एक्सरसाइज 8.3 क्वेश्चन नंबर 5 दिया हुआ है। यदि सेट 4a इक्वल cos a माइनस 20 जहां a एक न्यून कोण है, या 4a हो सकते हैं, 4a a एक न्यून कोण है, न्यून कोण है, तब a का मान आपको निकालना है, a बराबर आपको फाइंड करना है, ठीक है। क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है, सेक की वैल्यू दी हुई है। देखिए सेक 4a बराबर आपको दिया हुआ है cosec a माइनस 20। ये क्वेश्चन जो थर्ड नंबर क्वेश्चन है एथिक्स वैसा ही करना है, ठीक है। थर्ड मैंने बताया था 10 और क्वार्ट के फॉर्म में सेम वैसे ही इसको सेम करना है। देखिए सबसे पहले आपको सोल्यूशन में जो सेक दिया हुआ है उसको हम क्या करेंगे, या तो उसको cosec के पदों में चेंज करें या फिर हम cosec को sec के पदों में चेंज करें, ठीक है। आपको कंडीशन दिया है sec 4a इज इक्वल cosec a माइनस 20। यहां से हम sec 4a को cosec के फॉर्म में चेंज करेंगे तो भी आपका आंसर सेम आएगा, या फिर आप cosec a माइनस 20 को sec के फॉर्म में चेंज करेंगे तब भी आपका आंसर सेम आएगा, ठीक है। तो जो आपको इजी लगे या जो आपको सुटेबल हो उसके अकॉर्डिंग आप चेंज कर सकते हैं, ठीक है। ये जो sec 4a लिखा हुआ है इसका ये आपको लिखा होगा कुछ इस तरह का cosec 90 माइनस 4a, यही तो रहा होगा। तब देखिएगा cosec 90 माइनस 3 बराबर क्या होता है sec, यानी ये जो रहा होगा ये वो किस तरह से रहा होगा जबकि sec आया है, इसका मान क्या होता है sec 4a, ठीक है। आप चाहो तो यहाँ पे लिख सकते हैं अपने लिए cosec 90 माइनस थीटा इज इक्वल sec थीटा, ठीक है। ये आप लिख सकते हो अपने नेट्स के लिए, जिससे क्या होगा कि यहाँ पे थीटा की वैल्यू दी हुई है, क्योंकि यहाँ पे थीटा इज इक्वल क्या दिया हुआ है 4a, थीटा के केस में 4a, ठीक है। तो अब हम क्या करेंगे sec 4a की जगह लिख देंगे cosec 90 माइनस 4a, ठीक है। देखिए अब हम क्या करेंगे sec 4a के केस में लिखेंगे cosec 90 माइनस 4a इज इक्वल cosec a माइनस 20। देखिए लिख सकते हैं इसको क्योंकि दोनों आपस में क्या है इक्वल है, ठीक है। देखिए कुछ ये यहां से बता चुके हैं फॉर्म में से दोनों आपस में बराबर है, जिसके बेस पे हम ये लिख सकते हैं, ठीक है। यहां देखिए दोनों सेम cosec हो गए, cosec cosec आपके कैंसिल हो जाएंगे तो आपका आएगा 90 माइनस 4a इज इक्वल a माइनस 20, ठीक है। a को इस साइड लेके आएंगे 90 को उस साइड लेके आएंगे तो हो जाएगा माइनस 4a, ये प्लस साइन जाएगा माइनस a इज इक्वल माइनस 20, प्लस का 90 इधर जाएगा तो माइनस का 90, ठीक है। देखिए 4a और
का बोर्ड है, यानी कि आपको जो नेम दिए हुए एबीसी वो एक त्रिभुज के इंटीरियर एंगल है, ठीक है। अंडाकोण मीन्स इंटीरियर एंगल है, तो आपको प्रूफ करना है। क्या प्रूफ करना है? साइन बी प्लस सी अपॉन टू इज इक्वल कॉस ए बाई टू, ठीक है। आप क्या देखिए क्वेश्चन नंबर सिक्स में कहा गया है, जैसे मान लीजिए सपोज ये आपका एक ट्रायंगल बना हुआ है, ये एक ट्रायंगल बना है, ठीक है, ए बी सी, ये इसके एंगल है, ए बी सी क्या है, इसके इंटीरियर एंगल है। तो यहां से आपको प्रूफ करना है साइन बी प्लस सी अपॉन टू इज इक्वल कॉस ए अपॉन टू, ये आपको प्रूफ करना है, ठीक है। तो सबसे पहले आप सबको पता होगा कि त्रिभुज के इंटीरियर एंगल का सम कितना होता है, त्रिभुज के तीनों अंडाकोणों का योग कितना होता है, 180 है, ठीक है। देखिए आपको पता है त्रिभुज के अंडाकोणों का योग
अब देखिए बेटा यहाँ पे फॉर्मूला लग रहा है साइन 90 माइनस थीटा इज इक्वल कॉस थीटा, तो इसको हम लिख सकते हैं साइन बी प्लस सी बाई टू इज इक्वल कॉस ए बाई टू, यही आपको प्रूव करना था। ठीक है, आपका क्वेश्चन प्रूव हो गया, समझ में आ रहा है सबको, यही आपको प्रूव करना था। चलिए नोट करिए, इसके बाद बेटा आपका एक क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 7 मैं आपको होमवर्क में दे रही हूँ, वो आपको